मम्मी यहाँ पर लगा रही है नयन को टीका। जितनी बार भी नयन जाते हैं या मैं जाती हूँ तो मम्मी हर बार टीका लगाती है और ये परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है। बुआ जी को बाय कर दो, जी को बाय कर दो। जो रही है ये अभी। निकल चुकी हूँ घर से वापस अब जाने के लिए और बारिश से बुरे हाल हो रखे हैं रोड के। मम्मी भी आ रही है वहाँ से और मैंने टांग लिया है अपना बैग और चल पड़े हैं। नरेन और अम्मू पहले गाड़ी में चले गए थे और मैं चल रही हूँ अब। आज मम्मी को बहुत बेकार लगेगा क्योंकि आज हम जा रहे हैं 8-9 दिन के बाद और जब से अम्मू के पापा आए हैं तब से अम्मू अपनी नानी से बात भी नहीं कर रहा है और अम्मू बस उन्हीं के पास है। उसको पता है, उसके पापा उसको मोबाइल दिखाते हैं। और ये हमारी बहन है, ये हमारे चाचा की बेटी है। कहाँ जा रही है मोना? दुकान। प्रिया कब जाएगी? चले गई सुबह। बाय बाय, बाय कर दे नाना को। ये देखो अम्मू के नाना आ गए हैं अम्मू से मिलने के लिए। अम्मू के नाना आ गए अम्मू से मिलने बाइक से। नमस्ते करो डैडी। हेलो गाइस, चले फिर हैं? बाय कर दे बेटा, उतर के नमस्ते कर दे नाना को। आ रहे हैं नाना। ये तो बस मैम का है, फिर बात नहीं करेगा, भूल जाता है। बाय कर दे। अच्छा बाय कर दे। चलो बाय कर दे। पपी दे दे नाना को, पपी दे दे। लोग पहुंच गए हैं इधर नहर वाले रास्ते में और ये देखिए सामने है झिलमिल फैमिली रेस्टोरेंट आने वाला है। और बताइए आपको, यहाँ पर ना इतने भयंकर गड्ढे हो रहे हैं ना, इतने भयंकर गड्ढे। और जो वो है ना पुल, वो तो अभी आगे जाके दिखाऊंगी मैं उसके बारे में। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कितना खतरनाक पुल है वो। उसकी मतलब मेंटेनेंस कभी नहीं होती है। और वो कौन से डिपार्टमेंट होता है? सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग वाले है वो, सिंचाई विभाग वाले। यूपी में तो आएगा वो एरिया है ना तब। लेकिन वो कभी भी नहीं, इतने भयंकर गड्ढे हो रखे ना। बाकी रोड तो ठीक ही है, चलो मतलब इधर के साइड में वो है नहर तो फिर रोड ना जगह जगह से धस रही है देखो। और व्यू हो रहा है बहुत बढ़िया क्योंकि आजकल सावन का महीना चल रहा है तो आपको पता ही होगा कितनी बारिश हो रही है और कांवड़िया देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में अब की कम। देखो गाइस ये आ गया है यहाँ का खतरनाक वाला पुल और यहाँ पे इतने भयंकर वाले हो रखे। अच्छा मेंटेनेंस कर दिए, देखो मेंटेनेंस कर दिए इस पुल की, वरना इस पुल में इतने ज्यादा गड्ढे थे ना भाई, बहुत खतरनाक गड्ढे हो रहे थे। वो सामने से देखो जरा बस कैसे हिल रही है। अभी वो वाला पुल ठीक नहीं कर रखा है शायद, उस वाले दूसरे वाले पुल में जो दूसरे साइड से, उसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। और यहाँ पर ये देखो पास से ये देखो कितने इतने देखो ना बचपन बीत गया हमारा तो इस। लेकिन ये पुल कभी ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। ऐसी जामुन दी है यहाँ की, लोकल जामुन है गाइस देखो। और लेकिन ये मोटी मोटी, मैंने उसे बोला था मोटी मोटी देना, उसने इस टाइप की जामुन दी है। चलो इनको धो लेते हैं और फिर खाएंगे, और इस जामुन को खाएंगे। बहुत मीठी हो रही है। मैं जा रही हूँ केले या फ्रूटी या कुछ ऐसा लेने के लिए जो मैं कांवड़ियों को दे सकूँ ताकि थोड़ा सा उनको हेल्प जैसा मिल जाए। मतलब खाने के लिए इतनी तो नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ा बहुत मेरी तरफ से जो भी हो करके। और सावन का महीना है तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत दे देती हूँ यार। तो फिर मैं जा रही हूँ अभी के लिए रोड क्रॉस करके। सामने ये मैं देख सकते हो आप। बाप रे, इतने सारे केले क्यों लाए आप? ये केले मैं लाई हूँ कांवड़ियों के बांटने के लिए। सावन का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा कि ये केले मैं उनके लिए बांट देती हूँ। आजकल पुण्य का काम होता है। अच्छा आगे देखते हैं, अगर कोई कांवड़ियाँ मिलेंगे हमें तब हम मैं उनको देती हूँ जहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं होगी क्योंकि फिर ट्रैफिक का भी हमें नियम फॉलो करना है ना, इस वजह से। चलो केले बांटने के लिए इसको भी देते हैं जय भोले की। जय
खोलेंगे भैया। जय बोलेंगे भैया। सब लोग बांट लो। जय बोलेगी। सब लोग बांट लो आप। जय बोलेगी। तो रख दो डिक्की में, रख लो डिक्की में। कहाँ से आ रहे हैं आप? बरेली। बरेली, बरेली जाओगे? हनुमान मंदिर। जय बोलेगी। लेकर हम फंसे हुए हैं जाम में और बहुत भयंकर जाम लग रही है यार हरिद्वार की। कम से कम एक घंटा हो गया पूरा चंडी पुल पर भी नहीं पहुंचे हैं। अभी जो चंडी मंदिर जाता है ना इधर को, मतलब ट्रॉली वाला जो है उधर के साइड में है, जहाँ रोपवे है उधर के साइड में है, और तब इतना ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है, बहुत भयंकर ट्रैफिक हो रहा है। और अभी आगे का कुछ नहीं पता कि कितनी देर हमें रहना पड़ेगा, कितनी देर नहीं रहना पड़ेगा। ओहो भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही गाड़ियां लंबी लंबी लाइनों में कतार में लगी हुई है। जाम में फंसने के बाद में हमें लग गई थी भूख, तब हम आ गए हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाने के लिए। और अम्मू मेन्यू देख रहा है कि क्या ऑर्डर करेगी मम्मा, और मैं और अम्मू आ गए पहले ही। नरेन चले गए हैं वॉशरूम में, पर आ गया है खाना और नरेन कर रहे हैं मेरे लिए और अम्मू के लिए सर्व। और अम्मू ने लगा लिया है मोबाइल अपना। और हम अभी आए खालसा ढाबा, कौन सा है तेरा पंजाबी ढाबा में खाना खाने के लिए। मतलब मम्मी ने वैसे पूरी दी थी, लेकिन नरेन ने बोला कि मेरे को पूरी अभी पूरी के साथ सब्जी सब्जी नहीं थी, फिर इन्होंने यहाँ पर ये ऑर्डर कर दिया रोटी एंड पूरी। हम लोग अब निकल पड़े हैं लंच करने के बाद में, और आज बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। ये देखो ना चार धाम ढाबा कितना बढ़िया लग रहा है ना, उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट बना रखा है ना, सिद्धवली मोटर्स सिद्धवली के नाम से भी है। यहाँ पर मेरा मोबाइल स्टैंड ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने रास्ते में मोबाइल स्टैंड कराया ठीक, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा हिलती है। स्टैंड ठीक कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ, उसके अंदर से पता नहीं कोई कील वील होती है, नट वगैरह वो फ्री हो गया है। तो भैया ने बोला कि मैम ये ठीक नहीं हो सकता, उन्होंने तभी भी थोड़ा सा जुगाड़ करके मतलब थोड़ा सा वो कर दिया है, और ताकि कि मोबाइल मतलब मोबाइल टिक जाएगा, लेकिन ऐसे ही वीडियो हिलते ही रहेगी। इसके लिए मुझे फिर नया वीडियो नया वो खरीदना पड़ेगा, ट्राईपोड जैसा सॉरी वो स्टैंड खरीदना पड़ेगा। अभी आप ऐसे ही काम चलाओ यार। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। पहुंच गए हैं गाइस विकास नगर, पहुंच गए मतलब यहाँ पहुंच गए हर्बर्ट फूड्स के पास में। अभी मेरी दोस्त आ रही है, उसको मैंने मिठाई देनी थी सानवी की, और फिर मैं उसको मिठाई देकर तब निकलते घर के लिए। वो देखो उधर के साइड से आएगी, अभी आई नहीं है वो। अब क्या क्यों रुके हुए यहाँ पे? मैं अपनी दोस्त के लिए मिठाई दे रही हूँ ना, तब रुक रखे। हाँ दोस्त के लिए रसगुल्ले निकालती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। बहुत पुरानी दोस्ती है, है? बहुत पुरानी दोस्ती है। हाँ पुरानी दोस्त समझ लो। घर से आ रही हूँ, रसगुल्ले रख दिए हैं, और वो देखो सामने से आ गई मीनाक्षी की। ये देखो यहाँ पर ये आ गई मीनाक्षी। मम्मी ने थोड़े दिए थे ना, ना। तब मैंने बोला कि कम से कम मिठाई तो खा लेगी। ले अरे कोई नहीं, उसको खिला देना। वो लोग पहुँच गए घर, और यहाँ देखो सामान किस तरीके से फैला हुआ है। मैं सारा सामान सेट वेट करती हूँ। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट करूँगी, वरना आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। बाय 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 काट दो। पानी कर दो ना।